एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज दिन है सैटरडे का। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मुझे उठने में लेट हो गया था, थोड़ा सा मतलब डेली के हिसाब से 15-20 मिनट मैं लेट थी आज। तो बस यहाँ पर उठते सबसे पहले मैंने बाहर पानी डाल दिया है मेन गेट पर, और इसके बाद फिर जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में, और बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है। तो बस ये मेन मेन काम मैं ख़त्म करूँगी जल्दी जल्दी, और बाकी जो थोड़ा बहुत रह भी जाएगा ना, वो मैं बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पे लेट हो रहा था तो जल्दी से इतना ही काम मैंने किया, और जो मेरी बालकनी है वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है जितना सामने का दिखता है, बस इतना ही। और इसके बाद फिर मैं सीधा आ गई थी फिर किचन में। तो यहाँ पर अरबी उबाल करके मैंने रख दी थी, जो कि रात में ही उबाल करके रखी थी, और ये ठंडी थी तो मैंने इसको फ्रिज में सुबह ही निकाल दिया था जब मैं उठी थी। तो अरबी की सब्ज़ी अगर उबाल करके आपने रखी हुई अरबी तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस यहाँ पर अरबी को मैंने जल्दी जल्दी से छील लिया है, और छील करके ये सारी तैयारियाँ कर ली हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्च से तड़का लगाया है, हल्दी पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके, और फिर इसमें टमाटर डाल दिया है, और जब टमाटर गल गया है तो इसके बाद इसमें अरबी डाल देंगे। और अरबी को भी 5 मिनट तक मैंने भून लिया है, और फिर इसके बाद उसके छोटे छोटे पीसेस मैंने करछी से ही काट दिया है। बस यहाँ पर अरबी बन चुकी है, और जब भी अरबी की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ तो बच्चों को जो टिफ़िन में देती हूँ ना, वो बिना पानी वाली होती है, तो मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए निकाल दिया है सूखी सी, और इसके बाद फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि सूखी वाली अरबी जो है इतना ज़्यादा सबको नहीं पसंद है, टिफ़िन वगैरह में तो चल जाती है, टिफ़िन में वही अच्छी लगती है। तो फिर बाद में मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और देखिए अभी सब लोग बैठे हुए हैं, अभी बस आई नहीं थी बच्चों की, यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, हस्बैंड भी वॉक से आए हैं अभी, तो फ़ोन चलाए रहे अपना, और बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं पसीने में, सुबह सुबह वॉक करके आते हैं ना, तो यही हाल रहता है इनका। और बच्चे भी रेडी होकर के बैठे थे, इनको जाना था तो अभी बस इनकी आई नहीं थी, थोड़ी देर में ये बच्चे भी चले गए हैं स्कूल। और बस अब मैं रोटियां बनाऊंगी हस्बैंड के लिए, तो ये थोड़ी देर बाद का वीडियो है, लगभग 1 घंटे बाद का। और फिर मैंने बना ली है गर्मा गर्म चाय। तो बस यहाँ पर सुबह का लगभग जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है वो हो चुका होता है इस टाइम तक। पतिदेव चले गए हैं तो मैं डाल देती हूँ सारे कपड़े सूखने के लिए, और मौसम थोड़ा सा सुबह ऐसा लग रहा था कि सुबह सुबह ही बारिश होगी, मौसम ठंडा भी था लेकिन बारिश हुई नहीं है, फिर से धूप हो गई है, तो मैं यहाँ पर अब कपड़े डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं कपड़े सुखा रही थी ना, उस टाइम पे मेरी नज़र पड़ी बालकनी में रखे हुए गमले में, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 4-5 हैं जिनमें थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो इस फूल में मेरी नज़र पड़ी, ये बहुत सुंदर लग रहा था, आज ही इतना प्यारा लग रहा था क्योंकि इसमें बहुत सारे फूल आए हैं, और ऐसा मतलब अभी तक इसमें नहीं हुआ है, सिर्फ आज ही ऐसा देखने को मिला है। तो ये जो फूल है ना, ये दोपहर के 12 बजे तक ही रहते हैं, इसके बाद फिर ये सूख जाते हैं, मतलब ये जो खिले हुए हैं ना, तो ये सारे फूल सूख जाते हैं। तो वही मैं देख रही थी, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, और ये मैं थोड़ा सा ही लेकर के आई थी कहीं से, और इसमें बहुत सारा हो गया है, तो ये वाले फूल बहुत प्यारे लगते हैं सच में, और काफ़ी ज़्यादा अभी ये बड़ा भी हो गया है। और इस पर मैं इस टाइम पे वही चाय की पत्ती बची हुई 2-3 दिन के बाद में डाल देती हूँ, तो इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा फूल आए हैं, और ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। इससे पहले इसमें एक दो करके ऐसे फूल आया करते थे। तो चलिए अब इसके बाद वाले में देखते हैं। तो ये जो इसमें पेड़ निकला हुआ है फूल का, ये अपने आप ही निकला था, मैंने लगाया नहीं है, और इसमें लगा है एलोवेरा। तो एलोवेरा भी गर्मी में तो लग नहीं रहा था कि ये लगेगा, ऐसा लग रहा था कि सूख जाएगा, लेकिन अभी ये ग्रो हो रहा है क्योंकि अभी बारिश भी हो गई है, तो बारिश का जो पानी है वो इसको ग्रो करेगा, और सारे पौधे जो हैं अब थोड़ी अलग दिखने लगे हैं जब से बारिश हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे यही वाला अपने से ही इसमें निकला था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था, और ये भी कुछ ऐसा ही है, तो मुझे सुंदर लग रहा था। कुछ टाइम के बाद मैं इनको सबको अलग कर दूँगी इस गमले में, क्योंकि एक में दो लगे हुए हैं,
इसके बाद देखिए ये वाला जो गमला है इसमें लगा था अपराजिता का फूल, जो कि निकलता था अप्रैल में, काफ़ी सुंदर सुंदर फूल आते थे, लेकिन जब मैं गांव चली गई थी तब ये सूख गया पूरी तरीके से। तो मैंने सोचा कि मैं इसको फेंक देती हूँ उखाड़ करके, क्योंकि ये सूख गया है। लेकिन थोड़ा सा मेरे मन में ख्याल आया कि उन्हें इसको मैं पानी दूँ तो हो सकता है ये ग्रो हो जाए। तो देखिए इसमें नए पत्ते निकलने स्टार्ट हो गए हैं, जड़ इसकी मेरे ख्याल से अभी नहीं सूखी थी, इस वजह से इसमें नए पत्ते आने स्टार्ट हो गए हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई इसको देख करके, क्योंकि मुझे ये वाला फूल बहुत पसंद है। जब भी पूजा पाठ होता है तो शंकर जी को ये वाला फूल चढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ये इसका जो पेड़ है ना पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर अब ये भी ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। लगभग सारे पेड़ पौधे जो हैं बहुत सुंदर दिखने लगे हैं, जब से बारिश हुई है ना तब से इनका अलग ही रूप दिखने लगा है। और ये मेरा मीठी नीम जिसकी मैंने गुड़ाई कर दी है, और पत्ते तो आप देख सकते हैं नए नए इसमें निकल रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर सुंदर सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं। बस मैं इनको तोड़ लेती हूँ तो इसमें ज़्यादा पत्ते नहीं लगे हुए हैं, तो मेरे काम के लिए ये निकल आता है जितना मुझे ज़रूरत होती है। और यही है मेरा प्यारा सा छोटा सा गार्डन, और अभी इसमें बहुत कम गमले हैं। थोड़े दिन के बाद फिर मैं और नए गमले नए पौधे लेकर के आऊँगी, क्योंकि अब जो है बारिश स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं अभी ये आगे का काम फिर बाद में होगा। चलिए आ जाते हैं अंदर की तरफ। और आज मुझे ये वार्डरोब अपनी साफ़ करनी है, और इसको ऑर्गेनाइज़ भी थोड़ा सा करना है, क्योंकि सारे कपड़े इधर उधर मतलब उसमें ऐसे ही रखे हुए हैं। और इसकी सेल्फ में प्लास्टिक सीट भी मुझे लगानी है, जो कि अभी तक मैंने नहीं लगाया था। तो देखिए यहाँ की जो इसमें पार्टीशन किया गया है ना, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा है। और ये ना मैं अभी इससे देख रही थी कि ये साफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो पहले तो मैंने पानी से घिस करके देखा, मतलब पहले मैंने कपड़े को गीला करके और फिर साफ़ किया, तो ये नहीं साफ़ हुआ। फिर मैंने हैंड वॉश लिया, कपड़े में ही लगाया, जो क्लीनिंग वाला कपड़ा होता है उसी में मैंने हैंड वॉश लगाया, और उसके बाद फिर मैंने क्लीन किया तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा था। और मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी मुझे, बहुत आराम से और जल्दी साफ़ हो गया। तो फिर मैं इसको लग गई हूँ सफाई करने में। और है तो ये दाग बहुत गंदा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब देखने में लग रहा था बहुत ज़िद्दी है, लेकिन ये फिर साफ़ हो गया। और मैं इसी वाले हैंड वॉश को इसी क्लीनिंग वाले कपड़े में लगा करके और फिर साफ़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी ये कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो ये पूरी वार्डरोब जो ऊपर से नीचे तक का एरिया है, वहाँ का जो ये अंदर का हिस्सा है, तो अंदर में ऐसी ही गंदगी हो रखी थी, और इस चीज़ को मैं काफ़ी दिन से साफ़ करने ही वाली थी। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको मैं साफ़ कर लूँ, बहुत दिन से ये काम मेरा टलता जा रहा था। तो आप देख ही सकते हैं अब कितना सुंदर ये साफ़ सुथरा दिखने लगा है, बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी साफ़ कर लिया है, और ये नीचे का हिस्सा अभी बचा हुआ है जिसमें रखे हुए हैं कपड़े। तो ऊपर वाला हिस्सा तो मैंने साफ़ कर लिया है, पहले ही कपड़ा निकाल करके रख दिया था बेड में। और चलिए अब इसके भी सारे कपड़े मैं निकाल के रख लेती हूँ। और ये मेरी प्लानिंग से नहीं हो रहा, मैं अचानक से ही एक जगह इसको साफ़ करने के लिए आई थी कि मैं थोड़ा सा इसको साफ़ करूँगी, लेकिन फिर मैंने देखा तो मुझे लगा इसको भी कर लूँ, और फिर लगा कि क्यों ना अब साफ़ हो ही रहा है तो मैं पूरा वार्डरोब साफ़ कर लेती हूँ और इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी कर लेती हूँ आज। तो इसलिए मैं अचानक से ही ये सफाई करने में लग गई हूँ। तो सारे कपड़े मैंने इस वाली सेल्फ के भी निकाल लिए हैं, और साइड में बहुत ज़्यादा नहीं रखा है कुछ भी सामान, बस यही दोनों सेल्फ भरी हुई थी जिनमें कपड़े ही रखे हैं, डेली यूज़ वाले कपड़े हैं, और ज़्यादा सामान इसमें कुछ भी नहीं है। बस जो नीचे का जो एरिया है सबसे नीचे का, वहाँ पे सबके शूज़ स्लीपर्स रखे हुए हैं जो कि नए वाले होते हैं, तो उनको मैंने उसी बॉक्स में भर के रखा हुआ है, जब नया शूज़ आता है तो वही सारा सामान नीचे रखा हुआ है। चलिए इसको मैंने भी खाली कर दिया है, और अब मैं इसका मतलब साइड में जो सेल्फ बनी है इन सभी को मैंने खाली कर दिया है, सबको मैं साफ़ करूँगी। तो फिर मैं दोबारा से लेकर के आई हूँ गर्म पानी, और इस बर्तन में गर्म पानी है, और गर्म पानी में मैंने थोड़ा सा निरमा डाल दिया है।
सर्फ एक्सल डाल दिया है मैंने। तो ये होता है ना कि जहाँ भी अगर गंदगी आपको साफ़ करनी हो, तो गर्म पानी का यूज़ अगर आप करते हैं तो वो थोड़ा और जल्दी साफ़ हो जाता है और काफ़ी अच्छे से साफ़ होता है। जो वो इस दाग धब्बे थोड़ी बहुत भी रह जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है गर्म पानी से। तो बस मैं वही अभी गर्म पानी में निरमा डाल करके ले आई हूँ और कपड़े से ही मैं साफ़ कर रही हूँ। स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं किया है, नहीं तो स्क्रैच आ जाएगा। और ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो भी रहा है, तो इस वजह से भी मैं लग गई हूँ। और इसमें जितना भी मुझे गंदगी जहाँ भी दिख रहा था उस सभी को मैंने साफ़ किया है। और कॉर्नर में पेंट के निशान बने हुए थे, जो दीवार पे पेंट होता है ये वो वाला पेंट है, तो ये नहीं साफ़ हो रहा था उतने अच्छे से। तो फिर मैंने स्क्रबर का यूज़ यहाँ पे किया है, तो स्क्रबर से ये पेंट भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छे तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ का जितना भी एरिया है पूरा, मुझे थोड़ा सा टाइम इसको लगा है क्लीन करने में, क्योंकि गंदा तो था ही ये। लगभग 5-10 मिनट मुझे लगे हैं और मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये साफ़ होने के बाद कितना सुंदर दिखने लगा है। पहले कैसे दिखता था और अब कैसे दिखने लगा है, एकदम से अलग हो गया है, मतलब एकदम से नया दिखने लगा है। तो बहुत इजीली ये क्लीन हो चुका है और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था इसको साफ़ करने में, क्योंकि आसानी से साफ़ हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, एकदम से चेंज हो गया है पूरा, इसका लुक ही बदल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी अभी नया लगा है इस पर, क्योंकि पूरा साफ़ सुथरा है और वाइट कलर है तो पूरी तरीके से चमकने लगा है। वाइट कलर में काफ़ी ज़्यादा शाइन होती है। बस यहाँ पर ये पूरा एरिया मैंने साफ़ किया है और ये सब तो पहले से ऐसे ही था, बस ये जो वाइट वाला है इसी का जो कलर है वो पूरा ब्लैक दिख रहा था। तो क्लीनिंग हो चुकी है और क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं जस्ट अभी चली गई थी मार्केट। मैं ये प्लास्टिक सीट लेने के लिए गई थी जस्ट अभी ही, क्योंकि मेरे पास जो एक रखी थी प्लास्टिक सीट तो वो थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने सोचा मैं जा कर के लेकर आती हूँ। जब सफाई का काम चल ही रहा है तो क्यों ना फिर पूरी तरीके से मैं ऑर्गेनाइज कर दूँ आज इसको। तो यहाँ पर मैं चली गई थी और फिर मैं यही अब लेकर के आई हूँ प्लास्टिक सीट, और मुझे यही मिली है। वाइट कलर है तो देखने में भी अच्छी है, सुंदर लग रही है। और फिर चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जितना उसका एरिया है अंदर का उतना मैं नाप करके इंची टेप से और फिर इसको कट करूँगी, और कट करके और फिर जितना है उतना मैं सभी में लगाती जाऊंगी। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया इस चीज़ को काटने में, नाप करके। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा कट जाएगा तो फिर कम पड़ जाएगा और बाकी जो सेल्फ हैं उसमें लगाने के लिए, और अगर कम पड़ गया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो डरते डरते मैंने ये काम किया है और देखिए मैंने इस तरीके से इसको काट भी लिया है। और काटने के बाद इसका जो चौड़ाई का हिस्सा है वो थोड़ा सा बड़ा था और मुझे छोटा मिला ही नहीं, इतना ही बड़ा जिसकी लेंथ रहती वही मिला मुझे। ये लगभग 28 इंच था। तो बस इसको मैंने बचे हुए हिस्से को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पर ये है दूसरी प्लास्टिक सीट, ये ऑरेंज कलर की है जो, तो ये पहले की है जब हम लोग इस घर में शिफ्ट किए थे, उस टाइम पे किचन के लिए हम लोग ले करके आए थे किचन रैक के लिए। तो ये थोड़ी सी बच गई थी मेरे पास जो कि ऐसे रखी हुई थी, इसको मैंने साफ़ कर लिया है कपड़े से। और इसके बाद इसको भी कट करके फिर मैं साइड वाली जो छोटी छोटी सेल्फ बनी हुई है उस पर मैं लगा दूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह लगाया है। और ये देखिए कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है, और रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन इसमें जो कलर प्रिंट बना हुआ है तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और वाइट कलर से तो कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छी दिखती है, काफ़ी ज़्यादा शाइन आती है, लाइटिंग ज़्यादा आती है वाइट कलर से। यहाँ पर ये प्लास्टिक सीट लगा दी है मैंने और अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलिए अब सारे कपड़े मैं सेट कर दे रही हूँ, तो जो जैसे कपड़े रखे थे उन सबको मैं वैसे ही रखूँगी। तो जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर मैंने अपने कपड़े रखे हैं, मेरा खुद का सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ है। और जो ऊपर वाली सेल्फ है उस पे मैं बेडशीट और ब्लैंकेट्स ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं।
तो सारे कपड़े पहले से ही घड़ी किए हुए थे, बस इधर उधर हो गए थे, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इन कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। बस जो जैसे मैंने रखा हुआ था पहले से, वो सारा सामान मैंने उसी जगह पे सेट कर दिया है। बस साइड की जो सेल्फ है वो भी खाली है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वहाँ पे मैं अपने पर्स रखती हूँ, छोटे बड़े दोनों जितने मेरे पास हैं अभी इस टाइम पे, तो वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। और एक दो बैंगल बॉक्स है जो कि मेरे पास है, तो उसको मैं नीचे वाले हिस्से में रखूँगी। और बस ऐसे ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सामान नहीं रहता है, छोटी मोटी चीज़ें जो डेली की ज़रूरत की पड़ती हैं, बस वही है। तो देखिए मेरी वार्डरोब सज गई है, ऑर्गेनाइज हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है ना, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली ये काम भी मेरा पूरा हो गया है और अब इसका लुक जो है चेंज हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।